हुंडई की क्रेटा तो लॉन्च हो ही गई है इंडियन मार्केट्स में। अब क्रेटा आने के बाद जो नेक्स्ट कार क्रेटा बेस्ड होगी वो है हुंडई क्रेटा 7 सीटर। अभी इसका नाम तो डिसाइड हुआ नहीं है, लेकिन इसमें जो है स्पाई हो गई है हमें इसकी इमेजेस टेस्टिंग करते वक्त। तो बात करते हैं आज क्रेटा 7 सीटर के बारे में, क्योंकि ये लॉन्च होने की बहुत करीब आ चुकी है, टेस्टिंग फेज में आ गई है, अच्छी खासी टेस्टिंग हो रही है, कई सालों से टेस्टिंग हो रही है और ये लॉन्च के बिल्कुल करीब आ चुकी है। बात करते हैं आज इस वीडियो में इसी बारे में। मैं अनिर्बान बैनर्जी टर्बो ड्राइव के इस नए वीडियो में आपको फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज जाने से पहले लाइक का बटन जरूर से जरूर दबा दीजिए, नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर से जरूर कर लेना। और आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्रेटा की 7 सीटर भी आ रही है। जो लोग क्रेटा की 5 सीटर लेने, हो सकते हैं उनमें से कुछ लोग जो है वो क्रेटा की 7 सीटर के लिए भी जा रहे हो, तो उनको जरूर से जरूर ये वीडियो जो है वो शेयर कीजिए। शेयर करने में आपकी कोई नुकसान तो होगा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप शेयर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिए 7 सीटर क्रेटा जो है वो ऑलमोस्ट क्रेटा के ही आइडेंटिकल होगी, लेकिन आइडेंटिकल होते हुए भी बहुत कुछ अलग चेंजेस है जो आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सामने अगर फोकस करें, यहाँ पे जो ग्रिल है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आपको किए जाएंगे। अब ये क्या है, फॉरेन स्पेक क्रेटा है। इंडियन स्पेक क्रेटा में यही ग्रिल होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लगता ये होगा, लेकिन काफी अच्छी प्रीमियम फिनिश दी गई है ग्रिल में, थोड़ी सी नई पैटर्न डिजाइन यहाँ पे है। तो इंडियन मार्केट्स में हो सकता है इसको चेंज कर दिया जाए, जैसे कि प्रेजेंट जनरेशन क्रेटा में चेंज कर दिया गया है, नहीं तो सेम भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नीचे चले, नीचे बम्पर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस यहाँ पे की गई है। जैसे एक आध इंटरेस्टिंग चेंजेस जो है वो है कि यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको दिख रहे हैं। आप इतनी बड़ी गाड़ी है तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है एक अच्छी खासी एडिशन है, क्योंकि किया सेल्टॉस में जो है वो 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। हुंडई क्रेटा में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी प्रोवाइड नहीं किया जाता, 360 भी नहीं प्रोवाइड किया जाता, तो 360 से चीपर सॉल्यूशन है और एक अच्छा सॉल्यूशन भी है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। फिर यहाँ पे अगर आप साइड में चलते हैं तो साइड में आपको एकदम नीचे जो है, नीचे थोड़ी सी एसयूवी पूरी की पूरी क्लैडिंग दिखती है, जो एक्स्ट्रा लेंथ है उसको भी सवरती है, तो काफी अच्छा लग रहा है वो वाला फिनिश। ऊपर चले तो ऊपर जैसे रूफ लाइन जो है वो बिल्कुल फ्लैट रूफ लाइन रखा गया है, और ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जो डिजाइन इंटीग्रेशन है पीछे के सीट्स के लिए, ये काफी अच्छे से किया गया है। इन्होंने वो जो टाटा की ग्रेविटास है ना, टाटा की ग्रेविटास क्या है, पीछे वाली सीट्स को उन्होंने जबरदस्ती बिठाया है ऐसा लग ही रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी रूफ लाइन जो है एडियर की स्लोपिंग रूफ लाइन है, और स्लोपिंग रूफ लाइन की वजह से पीछे की एकदम थर्ड रो में स्पेस नहीं बचेगा, तो उन्होंने उसके लिए क्या किया है, बीच से कार को अपलिफ्ट कर दिया है। अब इन्होंने क्रेटा ने ये नहीं किया है, क्रेटा ने काफी इंटेलिजेंटली क्या किया, सामने से ही अगर आप देखेंगे दोनों क्रेटा और यहाँ पे 7 सीटर क्रेटा में, 5 सीटर और 7 सीटर में, सामने से ही इसका जो है थोड़ा सा रूफ लाइन बड़ा है और वही पूरा क्या है कंटिन्यू होता है, तो एक फैमिलियरिटी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन किया जाता है जो कि टाटा की ग्रेविटास में नहीं दिखने वाली है। और ये थोड़ी सी हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट हो, भले ही आप उसको रूफ रेल्स देके थोड़ा सा आप छुपा देते हो, लेकिन वो हम्प जो है वो समझ में आता है और उतना अच्छा नहीं लगता है। वहां पे ग्रेविटास में इजीली विजिबल होता है कि हाँ ऐसा कुछ हैरियर जैसा एक स्लोपिंग विंडो लाइन आ रहा था और अचानक से विंडो लाइन उठ गया। यहाँ पे क्रेटा में उसको बहुत अच्छे से इंटेलिजेंटली यहाँ पे डिजाइन किया गया है, तो हैंड्स ऑफ टू हुंडई टीम जिन्होंने इतनी अच्छी से इसको जो है इंटीग्रेट किया है। अब यहाँ पे थर्ड क्वार्टर ग्लास भी काफी अच्छी बड़ी साइज की दी जाएगी। अब रियल लुक जो है वो अभी स्पाई नहीं किया गया है, लेकिन एक पहले जो स्पाई किए गए थे ऑलमोस्ट क्रेटा जैसी लुक है, एक रेंडर्ड इमेज आपके सामने आ रही होगी वो आप देख सकते हैं, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं। फिर बहुत बात कर ली हमने एक्सटीरियर के बारे में, इंटीरियर में ओपन करते हैं। इंटीरियर भी वही सेम टू सेम इंटीरियर्स हो गए, लेकिन एक तो छोटी मोटी चीजें एक्स्ट्रा फीचर्स में एडिशन होंगी, जैसे कि फ्रंट पार्किंग सेंसर्स अभी हमें पता चल रहा है, और भी एक तो हो सकता है छोटी मोटी एक्स्ट्रा चीजें जो है वो आपको ऑफर कर दे, जो आपको एक्स्ट्रा जो फीचर्स है कंफर्ट है उसमें ज्यादा अच्छा लगे, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है मैं बाद में उठाऊंगा वो थोड़ी सी इंक्रीज होने वाली है, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा प्राइस टैग भी आपको हजम हो जाए, इसीलिए तो फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इंजन डिपार्टमेंट की ओर बढ़ते हैं, तो इंजन डिपार्टमेंट में वही रहेगा जो क्रेटा के पास है, सारी इंजन और उसके जो ट्रांसमिशन लेआउट है हर एक में गिनवाने नहीं वाला, आपके स्क्रीन के सामने आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं उसको इजीली। फिर चलते हैं इसकी प्राइसिंग की, और प्राइसिंग की बात करते हैं यहाँ पे ये क्रेटा की 7 सीटर जो है ये अराउंड 11 लाख रुपीज के आसपास से स्टार्ट होने की पूरी पूरी उम्मीद रखती है, और 11.5 लाख रुपीज के आसपास से, और मतलब की लगभग 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा होगी क्रेटा से। और ये जो प्राइसिंग है मुझे लगता है काफी अग्रेसिव प्राइसिंग रहेगी, और एक्टर और हैरियर जो है इनको भी काफी अच्छे से टेक ऑन करने वाली है, इनकी भी 7 सीटर जो है वो धीरे धीरे आने वाली है। एक्टर की 7 सीटर एक्टर प्लस और हैरियर की 7 सीटर ग्रेविटास भी कुछ एक दिन में लॉन्च हो जाएगी अगले साल। महिंद्रा की एक्सयूवी 500 जो है वो भी एज अ 7 सीटर एसयूवी निकलेगी, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और हुंडई की क्रेटा इसी टाइमलाइन में नेक्स्ट ईयर ही उम्मीद करते हैं इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, या इस साल के एंड तक इसको लॉन्च किया जाएगा, उसके पहले लॉन्च नहीं होने वाला, अभी टाइम लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में ही, फर्स्ट क्वार्टर में ही इसको लॉन्च कर दिया जाए उसके। बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। ये एक लेटेस्ट अपडेट था हुंडई क्रेटा 7 सीटर के बारे में, उम्मीद करता हूँ ये अपडेट जो है ये आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।